गाइस, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास फायरबोल्ट की तरफ से कोई स्मार्ट वॉच नहीं है। आज हमारे पास फायरबोल्ट की तरफ से एक TWS है, जिसका नाम है दोस्तों फायरबोल्ट ऑरा। इसे गाइस मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में परचेज कर लिया था 999 में। पिछले कुछ टाइम से इस TWS को दोस्तों मैं यूज भी कर रहा हूँ। बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और गाइस हैवी टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाइस पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और गाइस यहां पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, जैसे ENC FireX क्वाड माइक, स्मार्ट टच, सुपर सिंक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, 10mm के इसमें आपको स्पीकर ड्रॉपर देखने को मिलते हैं, 40 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा, गेमिंग मोड, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, फायर चार्ज मतलब फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, और दोस्तों IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ ये TWS आपको मिल जाते हैं। बैक साइड में तो दोस्तों यहां पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स कंटेंट में आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, एक आपको 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाता है। इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे, और गाइस कुछ आपको सब्सक्रिप्शन प्लान भी देखने को मिल जाएंगे। एक आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगी है, और गाइस 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों कुछ ओवल शेप में केस आपको मिल जाता है, और दोस्तों छोटा काफी ज्यादा है, कैरी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों फुली मैट फिनिश के साथ ये केस इन्होंने बनाया है। इसमें जो प्लास्टिक यूज किया है वो मुझे काफी बढ़िया लगा है, 1000 रुपए के हिसाब से। फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दे रखी है, और दोस्तों एक लाइट इंडिकेटर लगाया है। यहां पे आपको टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, और दोस्तों बैक साइड में केस हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी है, ओपन क्लोजिंग काफी अच्छे से ये केस हो रहा है, और गाइस अंदर की साइड इन्होंने प्लास्टिक जो यूज किया है वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और दोस्तों इसका हिंज बिल्कुल भी लूज नहीं है। यहां पे दोस्तों इन्होंने लेफ्ट राइट भी मेंशन कर रखा है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे बढ़िया लगी है। ऊपर की साइड आपको ग्लॉसी टाइप के मिल जाते हैं, दोनों में आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग, लाइट इंडिकेटर भी लगाए, और दोस्तों इस साइड आपको मैट फिनिश के साथ मिल जाते हैं। एक बात दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी इस TWS की, लाइट वेट काफी ज्यादा है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों पेयर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्दी से आपके डिवाइस से ये TWS पेयर हो जाते हैं। लेकिन गाइस इसमें आपको कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक देखने को नहीं मिलता है। इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो दोस्तों ये TWS मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे, उसकी वजह इसका साइज और वेट। साइज भी दोस्तों छोटा है, और दोस्तों वेट भी काफी कम है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा, और दोस्तों कोई भी आपको इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं होता है। फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाएंगे, अगर आप इसे रनिंग के टाइम या वर्कआउट के टाइम यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपके कानों से बिल्कुल भी गिरने वाले ये TWS नहीं है। और गाइस इसमें आपको 40 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल रहा है, तो दोस्तों गेमिंग का एक छोटा सा टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। फिर गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको राइट वाले बर्ड पे 3 बार जल्दी जल्दी से टैप करना पड़ेगा, उसके बाद आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। गेमिंग टेस्ट देख के आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर तो दोस्तों इससे मैंने BGMI के बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे, मुझे गाइस ऐसा लगता है 40-50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है, तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करने के लिए काफी बढ़िया ये TWS रहने वाला है। अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हैं तो दोस्तों इसे आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन गाइस प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं उसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा,
क्योंकि दोस्तों इसमें आपको माइनर सी, बिल्कुल माइनर सी लेटेंसी मिल रही है। इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों केस की बैटरी अप्रॉक्स आपको 40 आवर का प्ले टाइम दे देती है। और गाइस बर्ड्स की बैटरी की बात करें तो दोस्तों बर्ड्स की बैटरी अप्रॉक्स आपको 7 आवर का प्ले टाइम दे देती है। तो गाइस लगभग 5 टाइम आप अपने बर्ड्स को फुल चार्ज कर पाएंगे केस से, लगभग 1.5 घंटे में आपका केस फुल चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों बर्ड्स लगभग आपके 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं। और गाइस इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको क्वाड माइक मिल रहे हैं और दोस्तों फायर एक्स ENC भी मिल रहा है। गाइज इसे मैंने आउटडोर और इंडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया है। इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क करते हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइज एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड भी काफी हद तक वर्क करता है, बैकग्राउंड की नॉइस लगभग ये 70% तक कैंसिल कर देता है। गाइज इसे मैंने आउटडोर में कॉलिंग किया था, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और दोस्तों एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। हेलो हेलो। हाँ भाई क्या कर रहे है? कुछ नहीं भाई, बस बैठा था। अच्छा थोड़ी हेल्प कर यार, मेरे पास अभी एक TWS उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ, तो बता सकते हैं माइक्रोफोन यार किस तरीके से बैठ करें? माइक्रोफोन तो काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आवाज मेरी क्लियर है? हाँ आवाज क्लियर है, जो मैं बोल रहा हूँ तुझे क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ। अच्छा इसमें यार स्मार्ट ENC भी मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं रोड पे हूँ, ठीक है, बाइक चला रहा हूँ, तो बैकग्राउंड की नॉइस इतनी ज्यादा कैंसिल कर पा रहा है, थोड़ा पता यार? लगभग ये 70-80% कैंसिल कर रहा है। अच्छा अगर जैसे कहीं बाहर एरिया में रिकॉर्डिंग करना चाहते तो कर पाएंगे ना? हाँ हाँ। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये TWS आपको IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। तो गाइस पानी की थोड़ी बहुत इस पे बूंदें गिर जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसे वर्कआउट के टाइम यूज करो, वहां पे आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले कुछ टाइम से इस TWS को मैं यूज भी कर रहा था, ऑलमोस्ट सभी तरीके के मैंने इसे गाने सुने और वीडियो वगैरह भी देख रहा था। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों 999 में मुझे काफी बढ़िया लगी, आप इंजॉय करोगे। वोकल्स क्लियर है, सिंगर की आवाज आती है वो काफी क्लियर आपको सुनाई देने वाली है। और गाइस बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो भी काफी क्लियरली आपको सुनाई देते हैं। 10mm के इसमें आपको स्पीकर ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बेस भी ठीक ठाक मिल रहा है, ज्यादा हाई भी बेस नहीं बोलूंगा और लो भी नहीं बोलूंगा, मीडियम टाइप का इसमें आपको बेस देखने को मिल जाएगा। और गाइज एक बात मुझे काफी अच्छी लगी इस TWS के, अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे सुनो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। गेमिंग मोड ऑन करके अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग वगैरह सुनाई नहीं देगा। और गाइज आपको थिएटर वाला फील आने वाला है। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए इस प्राइस सेगमेंट में ये TWS मुझे काफी बढ़िया लगे हैं। अगर आपका बजट 1000 रुपए से कम है तो दोस्तों इसे आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज यही था Firebolt Aura TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।